दर्शकों, मैं दिव्या खोबरे और आप देख रहे हैं जेटीवी भारत। आइए रुक करते आज के मुख्य समाचारों की ओर। स्वास्थ्य विभाग की उदासीनता से जिले में फर्जी पैथोलॉजी लैब का कारोबार खूब फल फूल रहा है। सरदारपुर तहसील में पैथोलॉजी लैब की बाढ़ सी आ गई है। कलेक्शन सेंटर की आड़ में धड़ल्ले से अवैध पैथोलॉजी लैबों का संचालन किया जा रहा है। जगह जगह गांव-गांव में पैथोलॉजी लैब खोल ली गई है और इनकी संख्या में तेजी से इजाफा भी होता जा रहा है। बिना रजिस्ट्रेशन व अधिकृत मान्यता न होने के बावजूद संचालित हो रही पैथोलॉजी लैबों की जानकारी होने के बावजूद स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदार कार्रवाई नहीं कर रहे। गांव में डॉक्टरों के क्लिनिक के आसपास कुकुरमुत्ते की तरह उपजे पैथोलॉजी लैबों में जहां एक तरफ मरीजों का आर्थिक शोषण होता है, वहीं उनके द्वारा किए गए जांच की गलत रिपोर्ट होने से मरीजों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। जिले में अनेक पैथोलॉजी लैब संचालित हो रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के पास पूरे जिले में रजिस्टर्ड पैथोलॉजी लैब की संख्या बताने से कतराते हैं। जानकारों का कहना है कि एक ही नाम है कि कई पैथोलॉजी जांच घर ही एमडी पैथोलॉजी द्वारा चल रहे हैं। इसके अलावा जो पैथोलॉजी लैब हैं वे एमबीबीएस डॉक्टरों की देखरेख में संचालित हैं। वहीं कुछ लैब टेक्नीशियंसों द्वारा भी पैथोलॉजी लैब चलाए जा रहे हैं।